Similar way, air passages में trachea तक हमने discussion की कि trachea जो है C-shaped cartilaginous rings से बना हुआ होता है और trachea जो है this is also called as windpipe. Trachea को हम क्या कहते हैं? Windpipe कहते हैं. अब इस पूरे air passages में जो air की modification होती है, यानी एयर को जो मॉडिफाई किया जाता है वो किन किन जगहों पर किया जाता है, तो देखिए एक नोज और नेजल कैविटी है. पहले नंबर पे क्या है? नोज एंड नेजल कैविटी. दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ट्रेकिया आएगा. दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ट्रेकिया. और तीसरे नंबर पे आएंगे ब्रोंकियोल्स. तीसरे नंबर पे क्या आएंगे? ब्रोंकियोल्स. अच्छा, ट्रेकिया के अंदर क्या होता है? तो ट्रेकिया के अंदर भी सीरिया मौजूद है. ट्रेकिया के अंदर भी क्या है? सीरिया मौजूद है और साथ में क्या है? म्यूकस है, जो कि एयर को क्या कर रहा है? मॉइस्ट कर रहा है. समझ आ गई? सो यहां पर इसकी फिल्ट्रेशन भी हो रही है और एयर को ह्यूमिडिफाई भी किया जा रहा है. एयर को क्या किया जा रहा है? ह्यूमिडिफाई किया जा रहा है. जबकि ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होता है? तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है. क्या होता है? सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम. अब ट्रेकिया में जो एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, यानी उसकी एयर को नमदार बनाया जाता है, ड्राई एयर को मजीद क्या किया जाता है? मॉइस्ट किया जाता है. तो ट्रेकिया के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स. और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं, इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या है? इन गॉबलेट सेल्स का काम ये कि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं. गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस. ये म्यूकस को सीक्रेट करते हैं. So, ट्रेकिया के बाद आगे डिवीजन किसकी है? ट्रेकिया के बाद आगे डिवीजन है ब्रोंकाई की. किसकी डिवीजन है? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बारे में ये चीज ध्यान में रखें कि यानी उसकी तरतीब किस तरीके से है. तो उसकी तरतीब इस तरीके से है कि शुरू में जो ब्रोंकस होता है उसकी क्या उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया की तरह ही होता है. क्या होता है? ट्रेकिया की तरह. और जो बिल्कुल स्टार्ट वाला होता है उसको हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस. सो प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाकर क्या होगा? प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाकर डिवाइड होगा. आगे जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा. और जब ये मजीद नैरो होता जाएगा, मजीद क्या होता जाएगा? नैरो होता जाएगा, यानी मजीद ये पतला होता जा रहा है. सो उस टाइम पर इसके अंदर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स खत्म हो जाते हैं. कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें से खत्म हो जाते हैं. जब कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें से खत्म होते हैं तो फिर छोटे छोटे कार्टिलेजेस होते हैं, यानी कार्टिलेज प्लेट्स होते हैं. क्या होते हैं? कार्टिलेज प्लेट्स इसके अंदर मौजूद होंगे. सही. तो ये वाला क्या कहलाएगा? दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई. और उसके बाद डेफिनेटली टर्शियरी ब्रोंकाई. असल में टर्शियरी ब्रोंकाई और बाद में इसकी फर्दर डिवीजन क्या होगी? तो बाद में इसकी फर्दर डिवीजन होती है उससे छोटे छोटे एयर पैसेजेस, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं. किस चीज का नाम देते हैं इनको हम? ब्रोंकियोल्स. अब प्राइमरी ब्रोंकस से आ जाएं कहां तक? प्राइमरी ब्रोंकस से आ जाएं आप टर्शियरी ब्रोंकाई तक. तो तकरीबन ये एक जो पैसेज है ये डिवाइड होता है एक दो तीन और चार ब्रांचेस में. कितने? चार ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. और प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर कहां तक? एल्वेलाई तक. प्राइमरी ब्रोंकस से कहां तक? एल्वेलाई. तो प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर एल्वेलाई तक क्या होता है? ऑलमोस्ट 16 ब्रांचिंग होती है. कितनी? 16 ब्रांचिंग होती है. यानी अगर
इंटरनेशनल बुक्स को स्टडी करें, जैसे लाइफ बायोलॉजी की एक बुक है तो उसमें ये बात मेंशन की गई है क्या कि ब्रोंकाय जो है ये चार डिविजन तक जाएंगे। ब्रोंकाय कहां तक जाएंगे? चार डिविजन तक जाएंगे। और ये कि इस प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर जब आप एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट 16 डिविजन यानी 16 मरतबा ये तकसीम दर तकसीम हो जाएगा। बहुत ही छोटा क्या है, बहुत ही छोटा इसका डायमीटर होगा। यानी जब ये एल्वियोलाई तक पहुंचेगा ब्रोंकियो तो इसका डायमीटर ऑफ ब्रोंकियो, सही, ब्रोंकियोल का डायमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर और लेस हो जाता है, 1 मिलीमीटर या उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो ये केस की डिवीजन, दूसरा ये बात ध्यान में रखें कि दो जगहों पर, कहां? दो जगहों पर प्राइमरी ब्रोंकस और ट्रेकिया के अंदर क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। जबकि लैरिंग्स के अंदर, किसके अंदर? लैरिंग्स के अंदर भी क्या होते हैं? लैरिंग्स के अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस। और कार्टिलेजिनस प्लेट आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई या अगर टर्शियरी ब्रोंकाई तो है उसके अंदर आपको मिलेंगे। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, इसके अंदर भी फर्क है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो दो लंग्स की वजह से है। किसकी वजह से है? दो लंग्स जो है उसकी वजह से। अब ये क्या है? दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग। एक राइट लंग है और दूसरा क्या है? लेफ्ट लंग है। राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों जो है इनका क्या, राइट और लेफ्ट लंग दोनों का वॉल्यूम एक जितना नहीं है। तो राइट लंग का वॉल्यूम जो है वो कितना है? राइट लंग का वॉल्यूम जो है दैट इज 56%, सही। और लेफ्ट लंग का जो वॉल्यूम है दैट इज जो रिमेनिंग रहेगा 44% रहेगा। अब ये डिफरेंस किस वजह से है? तो ये डिफरेंस किस वजह से है कि यहां पर दरमियान में क्या है, यहां पर दरमियान में हार्ट, दरमियान में क्या चीज है? दरमियान में हार्ट है और उस हार्ट की वजह से क्या है, उस हार्ट जो है उसकी वजह से ये जगह इसने कवर की हुई है। तो जो लेफ्ट लंग है ये थोड़ा बाहर की तरफ क्या है, पुश है, बाहर की तरफ क्या है, पुश है। और इस वजह से जो लेफ्ट लंग है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम कम है या रिड्यूस है। राइट लंग चूंकि बड़ा है इसलिए इसके अंदर 3 लोब्स हैं। राइट लंग के अंदर कितने लोब्स होंगे? 3 लोब्स होंगे, एक सुपीरियर लोब, दूसरा इसका मीडियम लोब और तीसरा इंफीरियर लोब। उसके मुकाबले में जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर 2 लोब्स हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। दोनों लंग्स के जो लोब्स का डिफरेंस है, दोनों लंग्स के जो लोब्स का डिफरेंस है, तो दोनों लंग्स के लोब्स के डिफरेंस की वजह से जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है इसमें भी फर्क है। इसमें भी क्या है? फर्क है। यानी जो राइट ब्रोंकस है ये क्या है, राइट ब्रोंकस का डायमीटर ज्यादा है, ये वाइड है, क्या है? वाइड। जबकि लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये थोड़ा नैरो है। और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो लेंथ की अगर बात करें तो चूंकि राइट ब्रोंकस ने आगे ब्रांचेस ज्यादा बनानी है, ब्रांचेस क्या करनी है, ज्यादा बनानी है, इसकी इसकी लेंथ जो है शॉर्ट है और ब्रांचिंग जो है वो ज्यादा है। इसके मुकाबले में लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये क्या है, लॉन्ग है। और ये लॉन्ग इसलिए है कि इसकी ब्रांचिंग कम है। यानी हर लोब के अंदर क्या होगा, हर लोब के अंदर एक एक फर्दर ब्रांच वो आ जाएगी किसकी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई की, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। तो लंग्स में तरतीब क्या होती है, लंग्स के अंदर तरतीब ये होती है कि जब एयर पैसेज में आता है, सही, तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लंग्स, लंग्स के बाद इसके अंदर क्या है, लोब्स हैं, सही। तो ये लोब्स कितने हैं, 3 या 2 लोब्स हैं। लोब्स के बाद क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं। लोब्स के बाद क्या है, लॉब्यूल्स हैं। लॉब्यूल जो है, लॉब्यूल्स समझ आ गई, लॉब्यूल्स ये मल्टीपल होंगे। लॉब्यूल्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, बहुत सारे लॉब्यूल्स होंगे। अच्छा लॉब्यूल हम किसको कहते हैं, लॉब्यूल हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें कई एल्वियोलाई का गुच्छा मौजूद हो, कई एल्वियोलाई का क्या हो,
कुछ अपोजिट हो, तो लॉब्यूल में होता है क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, और लॉब्यूल के बाद क्या होगा, तो लॉब्यूल के बाद एक सिंगल एल्वियोलस होगा। तो इस तरह से डिवीजन आई हुई है किसकी, इस तरह से डिवीजन आई हुई है जो लंग्स है इसकी, राइट। अब एयर पैसेजवेज में वापस आते हैं, हमने किसको डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ब्रोंकाई को डिस्कस किया और साथ में ब्रोंकियोज जो है उनको डिस्कस किया। अच्छा देखिए ब्रोंकाई स्टार्ट कहां से होते हैं, तो ब्रोंकाई ट्रेकिया के एंड से स्टार्ट होते हैं और जाकर खत्म होते हैं किस पर, ब्रोंकियोज पर, सही, लीडिंग फ्रॉम ट्रेकिया एंड एंडिंग टू फर्दर नैरो चैनल्स ऑफ ब्रोंकियोज, सही। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है, इसके बाद ब्रोंकियोज हैं, सो ब्रोंकियोज में आपको क्या मिलता है, ब्रोंकियोज जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ साथ ब्रोंकियोज का दूसरा काम क्या है, तो ब्रोंकियोज का दूसरा काम ये है कि ये भी एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ये भी किसको कंट्रोल करते हैं, एयर फ्लो जो है उसको कंट्रोल करते हैं, समझ आ गई। तो एयर फ्लो को ये कैसे कंट्रोल करते हैं, दे हैव स्मूथ मसल्स विच कंट्रोल एयर फ्लो, जो कि एयर फ्लो को कंट्रोल करेंगे। सो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका एयर पैसिंग वे हो गया कि नोज से इसका स्टार्ट हुआ, नोज हैज अ कैविटी और कैविटी से भी एयर आ रही है, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई जो है फर्दर क्या है, ब्रोंकियोज। तो जैसे हमने डिवीजन की किसकी, जैसे हमने डिवीजन की ब्रोंकाई की, इसी तरह डिवीजन है ब्रोंकियोज की भी, इसी तरह डिवीजन है किसकी, ब्रोंकियोज की भी, यानी ब्रोंकियोज भी आगे जाते हैं तो इसमें क्या होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छा इसके बाद टर्शियरी या जो टर्मिनल होगा, टर्शियरी या जो क्या होगा, टर्मिनल। तो ये वो ब्रोंकियोल होता है जो फाइनली जाकर एक एल्वियोलस में एंड हो जाता है, सही। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड्स इनटू एन एयर सैक ऑफ एल्वियोलस, एल्वियोलस का जो एयर सैक है उसमें ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाता है और वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, वहां पर किसका एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा।